टीवी की मशहूर अभिनेत्री और मॉडल जैस्मिन भसीन इन दिनों बिग बॉस 14 में नजर आ रही हैं। जैस्मिन भसीन को भी जी टीवी के शो टशन इश्क में उनके किरदार और अभिनय के लिए काफी पहचाना जाता है। इसके अलावा जैस्मिन भसीन ने छोटे पर्दे पर कई शोज में काम भी किए हैं। जैस्मिन भसीन 2 बार खतरों के खिलाड़ी का हिस्सा रह चुकी हैं। अब जैस्मिन भसीन ने बिग बॉस 14 में आकर अपने समर्थकों को बड़ा तोहफा दे दिया है। तो चलिए आज जानते हैं जैस्मिन भसीन कौन है और उनका अब तक का सफर कैसा रहा है। वेल, टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन का जन्म 28 जून 1990 को राजस्थान के कोटा में हुआ है। जैस्मिन भसीन के परिवार में उनके माता पिता के अलावा एक छोटा भाई भी है। जैस्मिन भसीन के बारे में कहा जाता है कि वो और अली गोनी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन फिर दोनों ने कहा कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त है। वेल, आपको बता दें कि इन दिनों अली गोनी वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए बिग बॉस 14 के घर में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ उनका और जैस्मिन भसीन का ट्यूनिंग देखने को मिल रहा है। वेल, जैस्मिन भसीन ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की है। इस दौरान जैस्मिन भसीन ने एक ज्वेलरी का विज्ञापन किया था। इस एडवर्टीजमेंट को देखकर तमिल फिल्म निर्देशक ने जैस्मिन भसीन को तमिल फिल्म ऑफर की। इसके बाद जैस्मिन भसीन ने साल 2011 में तमिल फिल्म वामन में काम किया। इस तरह जैस्मिन भसीन ने फिल्म में दुनिया में कदम रखा है। जैस्मिन भसीन ने कई तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में की फिल्मों में काम किया है। अलग अलग भाषाओं में कई फिल्में करने के बाद जैस्मिन भसीन हिंदी टीवी इंडस्ट्री में काम करने लगी। जैस्मिन भसीन ने 5 साल तक तशन इश्क, दिल से दिल तक, दिल तो हैप्पी है जी और नागिन 4 जैसे टीवी सीरियल्स में काम किया है। इनके अलावा जैस्मिन भसीन खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 और फिर 2020 में खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया में हिस्सा ले चुकी हैं। अब जैस्मिन भसीन बिग बॉस 14 में अपना जलवा दिखाती हुई नजर आ रही हैं। जैस्मिन भसीन का जन्म सिख परिवार में हुआ है। जैस्मिन भसीन को एडवेंचर स्पोर्ट्स बेहद ज्यादा पसंद है। जैस्मिन भसीन को कुत्तों से बेहद प्यार है। वेल, उनके घर में एक पेट डॉग भी है। उनका पसंदीदा क्रिकेटर रोहित शर्मा भी है। वेल दोस्तों, बिग बॉस फेम और दिल से दिल तक फेम जैस्मिन भसीन को लेकर क्या है आपकी राय और जैस्मिन भसीन के आप कितने बड़े फैन हैं, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।